नमस्ते प्रणाम, का हाल बाप सबके। आशा करत कि सब लोग बढ़िया होई। ते वो गाना गावल चाह हम कि गौवा के लोग बड़ा लागे प्यारा प्यारा, हम भूल नहीं पाई लई कहीं आ जाई के बगीचा में हो रहा झोराई। जी भाई लोग, तो हम गाँव में जाए के अब तैयारी कर ले बनी और गाँव खातिर निकल तनी आज। और जानते बन जाए कि 21 तारीख हमारा घरे गृह प्रवेश बाटे, यानी कि पुरान घर के छोड़ के नया घर में हमनी के जाए वाला बानी जा। तो ओहे जौन बरुए हमनी के अभी त्योहारे कहल जाई, तो ओकरे उपलक्ष्य में जा तनी गाँव में। तो आप लोग के हम देखाइम कि का का देखे के मिला था, जैसे कि नई दिल्ली स्टेशन के देखाइम कि नई दिल्ली स्टेशन कैसा लाग रहा बा देखे में। आप लोग देखी जा, काहे कि जान दीजिए कि भारत के राजधानी कि आप स्टेशन के देखा तनी जा, यानी कि भारत में सबसे बढ़िया अगर रेलवे स्टेशन होई तो दिल्ली के होई, अगर दिल्ली के खराब ही यानी कि भारत के पूरा खराब, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन के देखा आएंगे कैसन बोलिए कहाँ नजारा बोल जाके। अब बाकी हमारे मगध एक्सप्रेस में भी रुए थर्ड एसी में जाता नहीं। जी हाँ भाई लोग, तो वजह से पूरा आप लोग के दिखाएँ का का कैसे स्टेशन कौन पहल का स्टेशन पर रुकत या मगध एक्सप्रेस, हर स्टेशन के कवर करम आ गाँव तक के वीडियो दिखाएँ कि कैसन हमारे गाँव बा कैसन घर बटे। तो वीडियो बाके देखी जा, लाइक करम जा जरूर, शेयरों करम जा, अपन भाई के सपोर्ट दिखाई जा, काहे कि आपके भाई आपके भाषा के प्रचार करे खातिर यूट्यूब के दुनिया में उतर गए बटे और यूट्यूब में तहलका मचा के रख देवे के बटे। बस आप लोग के सपोर्ट चाहिए, बाकी कंटेंट तो हम लेके आए, कहाँ से लेके आवे के बाद सब आप तैयारी बाटे। तो चलिए जा, अब डायरेक्ट मिलते हैं जा आप लोग से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो आप लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हर तरफ से, जो कि स्टेशन बहुत ही सुंदर दिख रहा है और देख रहे हैं कि लोगों का आवागमन है, यानी कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ओला की सुविधा भी मिल जाएगा, टेम्पू का भी सुविधा, ऑटो रिक्शा का भी सुविधा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जैसा जाना चाहते हैं, यदि आप लोग मेट्रो से जाना चाहते हैं तो पास में मेट्रो भी है, यदि आप बस से जाना चाहते हैं तो बस स्टैंड भी है। जी हाँ दोस्तों, हर चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा स्टेशन। तो आप लोग फिलहाल में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और इसके आउटसाइड यानी कि बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और शाम के वक्त जो कि ऐसा आप लोगों को रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, ये यहाँ का नज़ारा रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि यात्रीगण बहुत ज़्यादा संख्या में बैठे हुए हैं और गाड़ियाँ भी लगी हुई है, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम जो कि हमने की जान कि दिल्ली स्टेशन आ गई बन जाओ, और दिल्ली स्टेशन के आप लोगों के नज़ारा देख रहे हैं। 7 बजे करीब स्टेशन पर आज बनी जा और देखते हैं कि कितना भीड़ देखे के मिल रहा बटे। और यही बीच है एगो हमार भाई दोस्त अपन बिहार के भी मिल के बारे में, जिनका नाम आओ भाई, हेलो बोलो, कुछ परिचय, हेलो, क्या नाम पड़ी, शमशीर, शमशीर, तब कुछ दिल्ली स्टेशन के बारे में बताओ। जी स्टेशन बहुत प्यारा है, अगर आप देखें तो इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी फसाड़ भी देखे सामने से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और साफ सफाई भी यहाँ पर ठीक ही लग रहा है। अभी वहाँ जाएंगे अंदर तो उसके बाद देखते कैसा क्या है, और कुछ कहा जा रहा है आज। जी मुझे जाना पटना जाना है। कौन सी ट्रेन? जी मेरी ट्रेन है मगध एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना बताया। तो ये दोस्त हमारे आज बन चुके हैं और हम दोनों आदमी मगध एक्सप्रेस से ही जा रहे हैं, और ये बड़ी बात है कि एक साथ मिल गए और हमारा कम्युनिकेशन ठीक ठाक बात कर लिए। बाकी आप लोग दिल्ली स्टेशन की नज़ारा देखिए, खूबसूरती को देखिए और आनंद लीजिए। और ये भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यानी कि यहाँ के स्टेशन आप देखेंगे तो यानी कि ये भारत का एक नंबर वन स्टेशन माना जाएगा। और ये जो कि अभी अभी नया में बना हुआ है, पहले ये नहीं था लेकिन अब तैयार हो चुका है, ये जो कि मेट्रो के लिए भी जाता है और फ्लाइट के लिए भी लेन जाता है, ये है दिल्ली स्टेशन। तो दोस्तों भाई लोग, हम जो कि नई दिल्ली स्टेशन आ गए बनी, ये जगह आप लोग देखी जा नज़ारे बहुत शानदार। अभी वसीम भाई एगो अपन दोस्त मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मिल के। नई दिल्ली स्टेशन के आप लोग देखी जा, भीड़ देखी जा, बहुत जौन की भीड़ देखे के मिल रहा बटे शाम के वक्त बारे, शाम में आज बनी हम। तो ये आप लोग नई दिल्ली स्टेशन के देखा रहा बनी, बहुत खूबसूरत लाग रहा बटे। और पहाड़गंज और कश्मीरी गेट के बीच में ये स्टेशन हुई जौन की बड़वे, और ये नया में बनल बनी जौन देखते बन जा, और भीड़ आप लोग देखते बन जा। नई दिल्ली स्टेशन हटे
अगर खूबसूरती देखी जाए बहुत शानदार लग रहा है, ठीक देख के मन कर कि बार बार जाओ रहे। चलिए जाओ अंदर, हमने के एंट्री ले लिया जाओ, हम फिलहाल में 7 बजे ही आगे बने जा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आप लोग अंदर के देख रहा बनी जा, एक पंखा देखी जा कितना बड़ देखे के मिल रहा है, पब्लिक देखी जा कितना यात्री जा जुड़ा करे आप लोग, टाइम टू टाइम मिलते हैं इन्फॉर्मेशन मिलत रही ट्रेन के सॉरी सॉरी। एजा आप लोग टिकट ले सकते नहीं जा और टिकट कैंसिल भी करा सकते नहीं जा। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आप लोग देख रहा बनी जा अंदर के, दू गो बड़का बड़का पंखा लगा बा यात्री की सुविधा में, तो भीड़ बहुत देखे के मिल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर के नज़ारा देख रहा है, पहले एजा एगो तिरंगा रहत रहे अब नहीं लोग उतार दिया जा। ये नई दिल्ली के आप लोग देख रहे बनी जाने के लिए जो कि इतना लंबा भीड़ लगा है, यानी कि देख सकते हैं कि कितने लोग जो कि जा रहे हैं। ये मैं पिछले बार आया था तो कुछ भीड़ नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद ये देख सकते हैं कि कितना भीड़ जो कि देखने को मिल रहा है और इतना पब्लिक मिलते के देख रहे हैं। एंट्री जन कैसे होगा इसे घूम के जाएगा घूम के आवे के और देखो तो इनका कितना भीड़ लागल रहे दिल्ली के देख रहे हैं स्टेशन तक ऐसे घूमने के बाद घूम घूम के जाए के बाद एक खाली घूम के आएगा एक खाली घूम के जाए के बाद प्लेटफॉर्म के अंदर हम आ गए बने भाई लोग और मगध एक्सप्रेस जो उनकी प्लेटफॉर्म 14 पर भी है बहुत जल्दी आ गए बने आ जाएंगे चाहे घर को बैठ लाए काम ट्रेन ना छूटे। नई दिल्ली के आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर जो कि हमारी ट्रेन आने वाली है मगध एक्सप्रेस, तो अभी हम ऊपर जाना होगा आप लोग नई दिल्ली को देखिए। मुझे इतना ऊपर जाएगा बोल के कौन बात तो मेहनत करने से लाग रहा होगा, बाकी आप लोग हम दिल्ली स्टेशन की हर एक चीज़ दिखाएगा कोशिश कर रहे मानी भाई आप लोग देखे को मिली कैसा तो दिल्ली स्टेशन बाटे आप लोग देख सकते हैं। जब ऊपर बहुत सारा लाइट लागल गाड़ी सर और यात्री के कोनो भी सुविधा ना होके जैसे कि जाली भी लगा दिया बा टीटी जोन बाड़े के बारे और अगर पकड़ा गया बिना टिकट ले जा बस उनका यह काम। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 15 यानी कि यहीं पर आएगी मगध एक्सप्रेस, इस साइड से चलते हैं जो उनकी मशीन लागल रहते ऐसे से बढ़िया मशीन आवे बा बहुत थक गया आदमी बैग बहुत दूर है। स्टेशन के देखी जाना जा रहा ट्रेन खड़ा गाड़ी और स्टेशन के बाहर के नज़ारा रात में गई देखी जा कितना अच्छा लाग रहा भाई दिल्ली स्टेशन देखी जा आनंद ले जा दिल्ली स्टेशन के।
जैया सामान लोड होता है ना कभी सामान लोड होता है ना तो आप लोग नई दिल्ली स्टेशन के देख रहे बनी जा आप लोग यहाँ जानने तन जा सामान लोड होला यानी कि लगेज अब अंतिम पॉइंट बनी ये देखा तन जा माल आवेला सबसे पहले के इंजन पर जौन की माल जौन माल जाला जानते बन जा ट्रेन से भी माल के ढोल जाला सबसे अधिक रेलवे की कमाल यही से होला और नई दिल्ली के बोर्ड देख सके तन जा तो नई दिल्ली स्टेशन के आप लोग के रात के हम नज़ारा देखेली बहुत शानदार लग रहा है और अभी मगध एक्सप्रेस 9 बजे आई तो हम वो जो खा रहा बनी फिलहाल में कोनो ट्रेन आ रही है तो देखा दी कि आवश्य समय ट्रेन कैसन लगे सर अभी वो जो दुरंतो एक्सप्रेस लागल भी है आप सब देख सकते नहीं जाएगा ट्रेन जोन की आ रहा भी है ट्रेन हाँ इंजने भाई लोग इंजन आ रहा बा ट्रेन खड़ा रहे सर अगर इंजन आ गया अगर ट्रेन चल दे सर
तो दोस्तों अब जो ट्रेन आ रही है वही है मगध एक्सप्रेस, यानी इसी ट्रेन से हम जाने वाले हैं बिहार। तो आप लोग इस ट्रेन को देखिए और आनंद लेते रहिए रेलवे। To finally be one year.
हमने किस सीट हटे B16 भाई लोग मगध एक्सप्रेस खुल चुकल भी निर्धारित समय पर ही खुलल भी जैसे कि 9:05 में टाइम पर खुलल भी बाय बाय दिल्ली फिर आवे जी दिल्ली में बिहार का खुल चुकल वाली जा मगध एक्सप्रेस हमने की चल गए भैया चलो मगध एक्सप्रेस में ढाई समय पर यानी कि 9:05 पर चल दिया दिल्ली के बाय बाय करेगा बिहार से निकल
ब्लॉग बनाते हो क्या भाई? Yeah.
बंदा। Get
इसके बाद आप रुकेंगे ना, ये ऐसे गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसे नहीं उतरते सर। ये जोड़ा दिशा में चल रहा है उस दिशा में। हाँ बात भाई है, जोन की हमनी के ट्रेन बिहिया जाए वाले भी यानी कि अगला स्टॉपेज होकर बिहिया बाद आप लोग दिल्ली से लेके बिहिया तक की जोन भी अच्छा अच्छा देखे के मिलन। हम जितना कोशिश जितना हमसे भाई आप लोग भी दिखाई नहीं, आशा करते हैं कि आप लोग भी इंजॉय कर लो। हम जब लोगों के पसंद आई लोग तो लाइक करम जा। अभी आप लोग बिहिया स्टेशन के भी नज़ारा दिखाई, अभी ओकरा पहले के आप लोग देख रहा बन जा, जैसे कि गाँव लेखा आवे लगे ला, जैसे ही हम निकावे निकल साइड में भाई लोग फाइनली हम जो की बिहार स्टेशन आ गए बनी। आप लोग देख सकते हैं जा मगध एक्सप्रेस जो की खड़ा पिया और हम बाहर आ गए बनी। आप लोग दिल्ली से लेके बिहिया तक के हम दिखाई नहीं, अब बिहिया स्टेशन के आप लोग नज़ारा देख सकते हैं जा ऊपर से जाए के उस साइड। अभी हमारे जाए के बाद पापा आज बढ़े लेके तो बिहिया स्टेशन अब आगे बनी मगध जोन की जल्द ही खुले वाली भी अब चल दिला सब अब चली जाए। तो आप लोग के दिखाई नहीं, आशा करते हैं कि आप लोग की वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करिए सर। ये हमारे पापा जी है और प्यारी बुलेट भी आई है। जी हाँ दोस्तों, मुझे ले जाने तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को दिल्ली से लेकर बिहार तक का जो जर्नी रहा, जो भी मैंने दिखाया, वो पसंद आया होगा। तो वीडियो को खूब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।